वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस, मेरा नाम है पवनदीप सिंह और आप देख रहे हो ओनली इनोवेटिव। सो गाइस, अभी फिलहाल बज गए हैं सुबह के 7 और मैं उठ गया हूँ, काफी जल्दी उठ गया। बहुत दिनों से मैं लेट सो रहा था और लेट उठ रहा था बिकॉज मैं पबजी खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ इंडिया में, तो टाइम जोन मैनेज कर रहा था मैं। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मैं उठ चुका हूँ। सो गाइस, ये ट्यूसडे को वीडियो आने वाली थी कि मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूँ, मेरा व्लॉगिंग गियर क्या है, माइक कौन सा है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ मैं वीडियो एडिटिंग के लिए, वो सब पर। बट मुझे लगा कि वो वीडियो इतना अच्छा बना नहीं है अभी तक कि वो आपके साथ में शेयर करूँ, तो फिर मैंने वो वीडियो डिले किया है। और अभी फिलहाल है आज मंडे और US टाइम के हिसाब से आज रात को 12:30 बजे वीडियो आनी चाहिए और मेरे पास अभी तक कोई वीडियो रेडी है नहीं। व्लॉगिंग वाली रेडी है बट मुझे वो पोस्ट नहीं करनी है, तो फिर अभी फिलहाल मैं नया व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज का जो पूरा दिन है वो शूट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, तो वो देखेंगे गाइस। तो गाइस, मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि ऊपर का जो किचन है वो बंद है, क्लीनिंग चल रही है वहाँ पे, तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठने के कुछ बड़े फ़ायदे भी नहीं है वेट करना पड़ता है किचन क्लीन होने का ताकि आप नाश्ता बना सको। ओके, तो ठीक है, किचन क्लीन हो जाएगा, तब तक मैंने सोचा कि मैं नीचे जाऊँ वॉक करूँ और आपको थोड़ा सा जो बाहर की दुनिया है, अभी तो पूरा टाइम घर में बैठे रहते रूम के अंदर, तो बाहर की जो दुनिया है वो बताऊँ, तो आप लोग वो एंजॉय करो। बेसिकली मैं यहाँ के जो बादल है, आसमान है, उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ बिकॉज इतने तगड़े व्यू होते हैं ना, बादल इतने सही होते हैं, मुझे लगता है कि बस फोटोज लेते रहो, वीडियोस शूट करते रहो, रुको ही ना। तो आप लोगों पूरा एंजॉय करो गाइस और तब तक होप सो किचन क्लीन हो जाए ताकि मैं जाके नाश्ता कर सकूं। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. So guys, अभी फिलहाल बज चुके हैं दोपहर के 3 और अभी फिलहाल मैंने बनाया पोहे, एकदम सुपर सिंपल बिकॉज मुझे प्रॉपर रोटी बनाने का मन नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है उसमें, तो फिर मैंने पोहे बनाए और अभी पोहे खाने के बाद मैं जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड के इधर। तो आप लोग बस वीडियो एंजॉय करो यार, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, पूरे दिन में टाइम पास करता रहता हूँ, थोड़ा बहुत ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर मैंने एक कोर्स लिया है वो मैं ऑनलाइन सीख लेता हूँ, इसके अलावा मैं पूरे दिन में कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ बिकॉज छुट्टियाँ चल रही है और एक पबजी में बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ आजकल। यस, सो गाइस, जिस बात का डर था वो ही हुआ, मैं आधा रास्ता पहुँच गया और बारिश बहुत ज़ोर से चालू हो गई, बट ये तो अच्छा था कि मैं पार्किंग के एरिया के पास था तो मैं भाग के पार्किंग में आ चुका हूँ। बिकॉज अगर बारिश हो रही है तो आप US में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो कि कोई घर या बिल्डिंग के पास एक रुकने के लिए जगह होगी ताकि आपको बारिश ना लगे, बिकॉज यहाँ पर जितने भी रूफ्स वगैरह होती है वो सब ऐसे स्लांट डिज़ाइन में होती है, तो बैल्कनी या फिर ऐसे कोई तो भी हो जो बाहर आता है ना घर के, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि आपको किधर शेड मिलेगी, बिकॉज शेड इसलिए नहीं बनाते बिकॉज ठंडियों में जब बर्फ़ गिरती है तो वो एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए, ऊपर स्लाइड होके नीचे आनी चाहिए, इसलिए वो स्लांटिंग रूफ होती है। तो अगर मैं किधर और भी होता ना तो मैं पूरा भीग जाता, बट लकीली पार्किंग के पास था तो मैं पार्किंग में भाग के आके हूँ। क्या था भाई, ये दरवाजा कैसे खुला भाई, दरवाजे के पास कोई भी नहीं है, दरवाजा खुला कैसे भाई, तुम लोगों ने क्या किया है, ये हंसी की आवाज कम नहीं कर पाऊंगा मैं व्लॉग में, चलते हैं मेरे को क्या है। अच्छा ब्रो, तुमको खेती बाड़ी का कुछ शौक है? अरे वो ऐसे ही टाइम पास है, बोर हो जाता है क्वारंटीन में, क्या करने का। ओके रुक, मेरे को दिखाने दे लोगों को,
कौन से प्लांट से? ये है ना, ये देखिए कोरिएंडर है, ठीक है, देखो अंदर दिख रहा है, ये देख, ये मिंट है छोटू सा एकदम, ओके। और फिर ये कोरिएंडर है, ये वापस मिंट है, ये सनफ्लावर है। ओ, ये वाले सनफ्लावर से? हाँ। और ब्रो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई, ये क्या चीज है यूज किए तूने? अरे तो बेसिकली ये वाला जो, ये अंडे का है क्रेट, बराबर? ये अंडे का क्रेट है। ये क्या चीज है, ये तो कुछ प्रोफेशनल लग रहा है, प्रॉपर। ये तो एक सिर्फ बास्केट, एक छोटा उसमें। ओके, और ये वाला मेरे को पता है ये क्या चीज है, ये तो ये बेसिकली दूध वाला है। हाँ, मिल्क के कार्टन है, तीनों मिल्क के कार्टन है, होल मिल्क। इसको दूध तो सप्लाई नहीं करते ना तुम लोग? नहीं। भाई शशांक, तू किससे चैटिंग कर रहा है? भाई तू सेटिंग पे गलती मत डाल। भाई ये सेटिंग पे गलती डाल रहा है अभी। भाई मैं बजा, देख क्या बजाया था मैंने, जब मैं बजाता हूँ ना, क्या बोलते उसको, बजा 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 फटाफट बजा। तो गाइस अभी मैं फिलहाल वापस आ चुका हूँ अपने डॉम पर, और अभी बज गए शाम के 7:30। तो बेसिकली यही था आज का मेरा पूरा दिन। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाते रहूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। सो गाइस अभी फिलहाल बज चुके हैं दोपहर के 2:30 बज गए। ओके हाँ, अच्छा तू है कौन, तू है कौन? तो गाइस बेसिकली ये वही बंदा जो, जिसकी बस माइनक्राफ्ट में आवाज आती है एंडी के साथ। बीच में बहुत ही जोर से बारिश होने वाली है। गाइस अभी फिलहाल बज गए हैं दोपहर के 2, और अभी तक मैंने क्या क्या किया, मैंने नाश्ता किया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ मैं, फिर बाद में मुझे एक छोटा सा काम था, फटाफट मैं वो काम करके आ गया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।